ये है 2022 MT 15 वर्जन 2 जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, अभी शोरूम में भी अवेलेबल हो चुका है, बुकिंग स्टार्ट हो चुका है इस बाइक का। और जब भी अभी शोरूम में अवेलेबल हो जाए इसका एक डिटेल वर्क अराउंड रिव्यू मैं आप बता दूंगा। ये टोटल 4 न्यू कलर स्कीम के साथ अभी अवेलेबल है, मिल जाएगा। नया कलर इंक्लूज किया है या मान, इसका जो ऑन रोड प्राइस एग्जैक्टली लाइक अप्रोक्सीमेट कोलकाता का ऑन रोड प्राइस आपका आएगा 1,92,000 के आसपास इसका आएगा। और इसमें जो बेसिक मेजर चेंज है जो वो है अपसाइड डाउन आपको फॉग देखने को मिल जाएगा। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, यानी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है फ़ोन का। सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टाइल डिज़ाइन है, और इसमें अभी आपको लाइक SMS अलर्ट, कॉलिंग अलर्ट, बैटरी स्टेटस और कनेक्शन, ऐप का मोबाइल लास्ट पार्किंग लोकेशन, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है यामा का ऐप कलेक्ट के साथ। इसमें आपको मोबाइल में फ्यूल कंजम्पशन मिल जाता है, मेंटेनेंस, मेल फंक्शन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको रियर में वही 140 mm का रेडियल टायर मिल जाता है, एल्यूमिनियम स्विंग इसमें ऐड हो गया है, और इसमें वही डेल्टा फ्रेम, डेल्टा बॉक्स फ्रेम के ऊपर है। इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया है, 155 cc का SOHC इंजन है, 18.4 PS का पावर और 14.1 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लाइक 155 cc के सेगमेंट में लाइक R15 जैसा है वो फुल फेजर बाइक, और ये MT15 जो होता है नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में जो ऑलरेडी फेमस है, काफ़ी पावरफुल मशीन है। तो ये कुछ ही दिनों में आपके नियरेस्ट शोरूम में मिल जाएगा। इसका टेल लैम्प री पोजिशन किया गया है वन, लेकिन इसमें अभी भी एक कंप्लेन है क्योंकि इसमें अभी भी डुअल चैनल ABS का यूज़ नहीं किया है। लाइक 282 mm का फ्रंट और 220 mm का रियर डिस्क मिलता है, पर सिंगल चैनल ABS के साथ अभी भी है, इसमें अभी भी डुअल चैनल डिस्क आपको नहीं मिलता। डेल्टा ब्लॉक बॉक्स फ्रेम है जो सभी लोगों को पसंद भी है, आप सब जानते भी है। और स्लीपर कांच का असिस्ट तो पहले से ही था, और 6-speed गियरबॉक्स था, मोबाइल चार्जर ऐड किया गया है, अभी साइड स्टैंड इंजन कटअप किल स्विच, एक साइड स्टैंड इंजन कटअप का टेक्नोलॉजी दिया गया है, बाई फंक्शन LED हेडलैम्प है। LED जो इसका डिज़ाइन है ये पहले से ही सेम था, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, आप सब लोगों को पता ही है। एक्सेसरीज बहुत सारा आ गया, इसमें आपको टैंक पैड मिल जाता है, और एज एन एक्सेसरी LED फ्लैशर आपको इस बाइक से आप ले सकते हैं, शोरूम में मिल जाएगा। सीट कवर आपको मिल जाएगा एज एन एक्सेसरी, वो भी आप शोरूम से ले सकते हैं। तो ये था बेसिक जो चेंजेस किया है यामा MT15 2 में, 4 कलर स्कीम के साथ अवेलेबल है। इसका बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल्ड वर्क अराउंड रिव्यू लेके आने वाला हूँ, उसके लिए चैनल पे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।